नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों को बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल द मनोज में। और आज हम बात करने वाले हैं आप अपने राशन कार्ड को किस तरह से सरेंडर कर सकते हैं। ऑफलाइन बारे में हम बात करेंगे, ऑनलाइन के बारे में भी बात करेंगे। दोनों प्रक्रिया से आप किस तरह से राशन कार्ड को सरेंडर कर सकते हैं आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगा। तो आप इस वीडियो को बने रहिए और इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। और अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक तो बनता है यार। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरुआत करते हैं। आपको सबसे पहले क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे सर्च करना है आहार डॉट झारखंड। और आहार डॉट झारखंड सर्च करते ही आपके सामने एक ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो जाएंगे, जो कुछ इस तरह से दिखाई देंगे। और ओपन होने के बाद आपको जाना है ऑनलाइन सेवा पे। और जैसे ही ऑनलाइन सेवा पे आप क्लिक करेंगे, आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है ऑनलाइन आवेदन। और जैसे ही ऑनलाइन आवेदन आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, आपके सामने कुछ इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा। आप यहाँ पे एक बार पूरा पढ़ लें और उसके बाद यहाँ पे प्रोसीड बटन पे क्लिक करें। जैसे ही हम यहाँ पे प्रोसीड बटन पे क्लिक करते हैं, हमें एक नए पेज पर ओपन करके ले जाता है। जैसे यहाँ पे आपको जो भी गतिविधि करना चाहते हैं आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे राशन कार्ड सरेंडर करना चाहते हैं तो हम यहाँ पे चूज कर रहे हैं। और चूज करने के बाद हम यहाँ पे सबमिट बटन पे क्लिक किया। जैसे ही हमने सबमिट बटन पे क्लिक किया, हमारे सामने रेड अक्षर से लिखा हुआ ऑप्शन कुछ आया हुआ है। अब देखते हैं ये क्या लिखा हुआ है इस पे। अपने राशन कार्ड को सरेंडर करने के लिए जिला आपूर्ति पदाधिकारी के नाम से आवश्यक सुधार के लिए आवेदन पत्र, और दूसरा नंबर में राशन कार्ड की छाया प्रति, और तीसरा नंबर आधार कार्ड की छाया प्रति के साथ जिला आपूर्ति कार्यालय में जाकर राशन कार्ड सरेंडर कराएं। तो यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे ऑनलाइन होने वाला नहीं है, आप ऑफलाइन इसे करना पड़ेगा। आप जाइए जो भी है जिला आपूर्ति कार्यालय, वहाँ पर जाकर के पूरा काम करवा लें।